यह क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3 है। इसमें करा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 के गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग बनाने लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बल्ला और जो है गेंद का मूल्य को मान लेते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं कि माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। हम लोग क्या किए, ये दोनों मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रश्न से देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया। तो 7 बल्ले का मतलब कितना हो गया, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x रुपया। एक बल्ला का दाम x है तो 7 बल्ला का दाम 7x, प्लस एक गेंद का दाम हम लोग जो है y रुपया जो है माने हैं, 6 गेंद का जो है कितना होगा, तो एक गेंद का y रुपया तो 6 गेंद का 6y रुपया है ना। तो कुल मूल्य कितना उसको जो है होगा, कि ये 3800 रुपया होगा। यानी 3800 रुपया में क्या किया कि 7 बल्ला और जो है 6 गेंद खरीदा। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन से क्या कर रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले, तो एक बल्ला का मूल्य x, 3 बल्ला का मूल्य 3x, प्लस कितना है कि 5 गेंद है, तो 5y इसका जो है कितना रुपया चुकाया, 1750 रुपया। यानी बाद में क्या किया कि 3 बल्ला और जो है 5 गेंद कितना खरीदा, 1750 रुपया में। प्रश्न को हम लोग क्या किए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में लिख लिए। अब इसको क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर समीकरण एक से किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो समीकरण एक क्या है, 7x + 6y = 3800। यहाँ पे सिर्फ 7x = 3800 - 6y है ना, और सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा, 3800 - 6y / 7। ये हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है मेरे पास, 2 है 3x + 5y = कितना, 1750। ये इक्वेशन 2 है, ये 3 ठीक है। x के स्थान पे कितना लिखेंगे हम लोग, 3800 - 6y / 7। ये पूरा जो लिखे हम लोग x के स्थान पे लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि x का मान है इतना। अब प्लस ये 5y = कितना, 1750। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 3 से गुना करेंगे, तो 2 0 हो गया, 8 24 2 3 9 2 11 11400 - 6 18y / 7 प्लस 5y = कितना, 1750। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 के नीचे कोई नहीं तो 1 1, और 7 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 7 का एलसीएम हो गया 7। अब 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 × इतना, तो इतना ही होगा, 11400 - कितना हो गया, 18y। अब यहाँ पे क्या है कि 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 को 5 से जो है इंटू करेंगे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35y हो जाएगा, बराबर कितना, 1750। अब हम लोग कितना क्या करेंगे कि ये 11400 इसका हल कितना हो जाएगा, -18y है + 35y है, इसका हल होगा +17y।
और ये 7 से हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 57 + 50 तीन कितना हो गया, 52 हो गया, तो कितना हो गया, 5 × 7 = 7, 5 = 12, ये 12,250। अब होगा क्या कि सिर्फ 17y = 12,250 -11,400, सिर्फ 17y के बराबर कितना हो गया, 12,250 में 11,400 घटाएंगे, ये हो जाएगा 850। अब सिर्फ जो है ये y बराबर कितना हो गया, 850/17, 17 से काटेंगे, 17 × 5 = 50, यानी y का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब इस y का मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 में निकाल के रखें हम x बराबर 3800 − 6y/7। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये 3800 हो गया, −6 × y का मान कितना, 50/7। अब कितना हो गया, ये 3800 − 56 = 30, ये 300 हो गया, भाई कितना, 7। 3800 में 300 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3500 होगा, 3500 भाई कितना, 7। अब 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, 20, यानी ये कितना हो गया, 500 हो गया। अब लास्ट हम लोग लिखेंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य, मूल्य है ना, बराबर एक्स बराबर कितना, 500 रुपया, और क्या, एक गेंद का मूल्य बराबर वाई बराबर कितना, वाई का मान है 50, तो 50 रुपया, ये हो गया आंसर। और इसी का हम लोग जो है अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक नियत भाड़ा है और उसके अलावा आप जो है जितना दूरी तय करिएगा किलोमीटर के हिसाब से क्या है कि भाड़ा है। अब करा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो उसको जो भाड़ा कितना देना पड़ता है, 105 रुपया, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, और एक अन्य दूसरा व्यक्ति अगर जो 15 किलोमीटर चलता है तो भाड़ा कितना लगता है, 155 रुपया लगता है। करा कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, मतलब हम लोग को नियत भाड़ा या फिक्स भाड़ा क्या है वो निकलना है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा उसको भी निकलना है। एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर अदा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें दो तरह का भाड़ा है, एक है नियत भाड़ा, हम लोग मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपया है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जाता है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना जो है भाड़ा चुका रहा है, वो 105 रुपया चुका रहा है, 10 किलोमीटर का कितना भाड़ा दे रहा है, 105 रुपया। अब देखिए इस 10 किलोमीटर क्या होगा, तो पहले तो उस व्यक्ति ने नियत भाड़ा दिया होगा जो कि x है, और 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10y रुपया, तो x प्लस 10y बराबर कितना हो गया, 105, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए अब देखिए 15 किलोमीटर के लिए वो कितना भाड़ा दे रहा है, 155 रुपया दे रहा है, तो ये व्यक्ति क्या किया होगा, फिर यह नियत भाड़ा दिया होगा, फिर जो 1 किलोमीटर का वाई रुपया, 15 किलोमीटर के लिए 15y रुपया, तो बराबर कितना हो गया, 155 रुपया, है ना, ये इक्वेशन टू। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसमें जो है एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए लिखेंगे हम लोग क्या कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 10y बराबर कितना है, 105 है,
तो इससे भैया एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10 वाई, ये समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान 2 में रखेंगे क्योंकि एक से निकाले हैं। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 मेरे पास क्या है, 2 मेरे पास है क्या कि एक्स प्लस 15 वाई इजिक्वल टू 155, ये मेरे पास 2 है। अब एक्स का मान हम लोग क्या निकाले हैं, 105 माइनस 10 वाई, यहाँ पे लिखते हैं 105 माइनस 10 वाई प्लस ये क्या 15 वाई इजक्वल टू कितना 155। अब यहाँ पे देखिए 105 तो ठीक है, इसका हल माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई, तो इसका हल होगा प्लस 5 वाई, क्यों, क्योंकि जो है देखिए 10 कर्जा है और जो 5 जमा है, तो 10 कर्जा अदा कर कर्जा अदा कर भी देंगे तब भी मेरे पास क्या बचेगा, 5 वाई बचेगा, तो यहाँ कितना हो गया 155। सिर्फ अब जो है ये 5 वाई बराबर 155 माइनस 105 यानि 5 वाई बराबर कितना आ गया, 155 में 105 घटाएंगे तो 50। अब इसको जो है आगे देखिए, तो इसलिए सिर्फ जो है वाई बराबर कितना हो जाएगा 50/5, 5 से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, वाई का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब जो है वाई का मान हम लोग, ये भी एक आंसर हो गया, इतना रुपया वाई का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर, तो 3 मेरे पास क्या है, 3 मेरे पास है एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई, है ना, ये मेरे पास क्या है समीकरण 3 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 गुना वाई का मान हम लोग कितना लाए, 10 लाए हैं तो 10 रख दिए, तो 105 माइनस 10 गुना 10 तो कितना हो गया, 10 गुना 10 100 हो गया, तो 105 में 100 घटा दे तो कितना बचा, सिर्फ 5 रुपया हो गया, है ना, ये एक्स का मान हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो 25 किलोमीटर का, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो इस व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा, पहले जो है नियत भाड़ा देना होगा, फिर जो है 1 किलोमीटर का वाई रुपया, और ये 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 25 वाई हो जाएगा। अब क्या है कि एक्स का मान हम लोग कितना लाए हैं, 5 लाए हैं, 5 रुपया प्लस ये 25 गुना वाई का मान कितना लाए हैं, 10, तो ये 5 प्लस 25 गुना 10 कितना, 250। इस तरह इस व्यक्ति को 250 प्लस 5 यानी 255 रुपया जो है अदा करना होगा, ये भी क्या हो गया आंसर।